जाने से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। और फिर बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, है तो ये अतिथि और अतिथि देवो भव, जो भी हो हमें इन्हें प्रसन्न करके यहाँ से भेजना चाहिए। रुकिए बाबा, बाबा पहले हाथ तो धो लीजिए। हाथ क्या धोना, मैं तो कभी मुंह भी नहीं धोता। लाओ भोजन लाओ। आइए आप यहाँ बैठिए। नहीं, मैं तो यहां बैठ जाऊंगा। किंतु बाबा यह आसन तो हमारे इष्ट भगवान शंकर जी के लिए है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो यही बैठूंगा। खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? लाओ मेरे लिए भोजन परोसो। अच्छा, तुम लोग मुझे यहां बैठा देखकर कूड़ रहे हो। मुझे तुम लोगों का ये भाव तनिक भी बा नहीं रहा है। यदि ऐसे ही रो रो के मुझे भोजन कराओगे तो मैं सच कहता हूं, मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। रुको। अब क्या हुआ बाबा? मुझे हाथ धोने की शिक्षा दे रही थी और स्वयं बिना हाथ धोए ही मेरा भोजन परोस रही हो। किंतु बाबा मेरे हाथ तो शुद्ध हैं, और फिर आपने ही तो कहा। तेरा मेरा क्या मेल है? मैं तो भिखारी हूं, तू तो गृहस्थन है, तुझे तो शुद्ध अशुद्ध का विचार करना चाहिए। जाओ मेरे हाथ धो कर आओ। पंखा क्या देखने के लिए रखा है? बाजू में बल नहीं है? पंखा चलाओ। बाबा भोजन प्रारंभ। पूरी कैसे पकाई है? आधी कच्ची आधी चली हुई।
बड़ी आशा से तुम्हारे द्वार पे आया था कि बरसों पश्चात एक अच्छा भोजन करने को मिलेगा। तुम दोनों ने गुड़ गोबर कर दिया। फिर भी अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हारा सत्कार स्वीकार कर लिया। भूखे का पेट भरकर कुछ तो पुण्य मिलेगा तुम्हें, नहीं तो उस अवगढ़ अहोरी जटाजुटी शंकर की सेवा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। भस्म लपेट कर गले में नागमाला डालकर भयंकर रूप धारण करके शमशान में बैठने से कोई भगवान नहीं होता। अरे वो तो लोगों को डरा धमका कर भगवान बन बैठा है, ईष्ट बनाना ही है। इससे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं कौन सा भगवान तुम्हारा भला कर सकते हैं। बस कीजिए बाबा। आप हमारे अतिथि हैं, किंतु हमारे परम आराध्य भगवान भोलेनाथ का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसमें अपमान क्या है बालिकी? जो सत्य है वो सत्य है। क्या शंकर शमशान में नहीं रहता? क्या वो भस्म लगाकर नहीं घूमता? क्या वो जटाजुटी अघोरी नहीं है? हाँ रहते हैं वो शमशान में, हाँ लगाते हैं भस्म, किंतु जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं उस शमशान में रहकर वो जीवों को शरण देते हैं और भस्म लगाते हैं उन्हें जीवन की व्यर्थता का उपदेश देने के लिए। और जिन जटाओं का आप इतना अपमान कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि उन्हीं जटाओं में माँ गंगे भी निवास करती हैं। उन्हीं जटाओं की महिमा है कि माँ गंगा समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी रूप में रहती हैं। नहीं तो जिस प्रचंड वेग से वे स्वर्ग से उतरी थी, यदि भगवान जटाशंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में ना घेरा होता तो वे अपने वेग से सब कुछ बहाकर नष्ट कर देती। और अघोरी, अघोरी का अर्थ समझते हैं आप? घोर का अर्थ होता है क्रूर, और अघोर अर्थात जिसमें कोई क्रूरता ना हो, जो घोर पापियों के प्रति भी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान भोले शंकर। तेरी तो मटी मारी गई है, वो भूतनाथ नागधिराज, वो विशेला है, विशेला। तभी तो नागू का साथी है। आपको विशेले समझ आते हैं? तो हाँ, मेरे भगवान भुजंग भूषण विशेले हैं, क्योंकि अमृत मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था, जिसे देखते ही सब देवता हाहाकार करते भाग खड़े हुए थे, उस भयंकर कालकूट विष को अपने कंठ में धारण करके मेरे भगवान नीलकंठ देवताओं को अमृत देने वाले हैं। अरे वो तो इतने शांत, अहिंसक और परोपकारी हैं कि नाग जैसे विषैले जीव भी उनके पास आकर ना डसने का स्वभाव भूल जाते हैं। तुम्हारे जैसे अंधभक्त। बस अब यदि आपने मेरे भगवान भोले शंकर के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो क्या करोगी अंजना? Ah.
तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अति प्रसन्न। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों स्वीकार करना। तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा। परम भक्त होगा और परम ज्ञानी भी। कल्याण हो। भगवान गौरीनाथ ने अच्छी लीला की अंजना के साथ, किंतु उनके बारंबार उकसाने पर भी अंजना ने अपना धैर्य नहीं खोया। निश्चित ही ये उसकी तपस्या का ही प्रभाव था कि वो भगवान शूलपाणि की परीक्षा में खरी उतरी। वेदों में गृहस्थ के लिए 5 प्रकार के जिन नित्य यज्ञों का विधान है, उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ के साथ अतिथि सत्कार रूपी मनुष्य यज्ञ भी प्रतिदिन करने का आदेश दिया गया है। जिस द्वार से अतिथि असंतुष्ट होकर जाता है, उस घर में समृद्धि नहीं रहती। और जहां सम्मान के साथ अतिथि की तृप्ति की जाती है, वहां सुख संपत्ति का वास सदा बना रहता है। और जो ये जानते हैं, वो अंजना के समान अतिथि सत्कार में कोई चूक नहीं करते। हर प्राणी के द्वार पर उसके भगवान अतिथि रूप में एक बार अवश्य जाते हैं और उचित सम्मान होने पर उस घर की 7 पीढ़ियां दरिद्रता का मुख नहीं देखती। तो फिर महादेव ने वायुदेव से कैसा प्रसाद भिजवाया? हे पवन देव, हम आपका आह्वान करते हैं सृष्टि कल्याण के प्रायोजन के लिए। आप अपना सहयोग दें और हमारे सम्मुख प्रकट हो। जगत जननी माता पार्वती और जगत गुरु भगवान भूपति की जय हो। मैं कृतार्थ हुआ महादेव। अपने तेज को वहन करने के लिए आपने मेरा चुनाव किया है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदेश करिए भगवान रुद्रेश्वर। जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है।
कल्याण। मेरा हृदय धड़क रहा है, लग रहा है कि कुछ अलौकिक घटने वाला है। तुम ठीक कह रही हो प्रिय, मेरा हृदय भी एक विचित्र आनंद से भर उठा है। और देखो ना, ये समस्त प्रकृति भी उल्लास में खिल सी गई है। लगता है आज सब कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है। ये सब कृपा निधि भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है। देवी अंजना, वनराज केसरी, मैं पवन देव हूं। भूत भवन भगवान शंकर और माता भवानी का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। वे दोनों आपकी श्रद्धा और तपस्या से अति प्रसन्न हैं और उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद भेजा है। ओम नमः शिवाय। हे वानरराज, देवी अंजना के लिए इस फल को आप ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय। 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.